सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ, उन्नति के अध्याय सभी एक धन्यवाद धन्यवाद मैं लाया हूँ। माने पल्लवी पटेल जी का मूल मंत्र मैं तुमको आज पढ़ाता हूँ। माने पल्लवी जी संविधान हूँ, मैं तुमको राह दिखाता हूँ। धन्यवाद माने पल्लवी पटेल जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज मुझे माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। इस अभिभाषण को मैंने बहुत ही गहनता से पढ़ा समझा, बता दो इन्हें, और जिस प्रकार से एनसीआरबी के डेटा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है उसके बाद ये सोचने में मुझे कतई भी टाइम नहीं लगा कि हालांकि सरकार मानव जाति की है लेकिन ये सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव क्यों कर रही है। और शुतुरमुर्ग की खासियत ये है कि वो अपनी गर्दन मिट्टी में डाल करके समझ लेती है कि सब कुछ ठीक ठाक है और मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जो जनता जिसने सरकार बनाई है वो आपको देख रही है, और जिस तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश की जयगाथा आप कर रहे हैं, ये तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर पुलिस अभिरक्षा में भी माननीय जनप्रतिनिधियों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की जाती है। ये वही प्रदेश है तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश जहां पर पुलिस थाने अवैध वसूली का अड्डा बन गए हैं। ये वही तथाकथित अपराध मुक्त प्रदेश है जहां पर आज हेडलाइंस बनती हैं कि पुलिस थानों में भी रेप पीड़िता का रेप हो जाता है। तो मुझे ये कहने में कतई भी गुरेज नहीं है कि आज वर्तमान में इस प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं वहां पर ये प्रदेश निवेश के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बने या ना बने लेकिन क्राइम का हॉन्टिंग डेस्टिनेशन जरूर बन गया है। अभी कुछ देर पहले सदन में ये बात आई कि प्रमोशन में जब रिजर्वेशन बिल आया था तो आप लोगों ने वेल में आकर के उस बिल की प्रतियां फाड़ने का काम किया था। एक जाति विशेष की भर्ती की थी और आप समस्त लोग गूंगे बने बैठे रहे थे। आपने कहा कि हम इसीलिए इस तरफ आ गए तो कम से कम हम ही से सीख लिया होता, आज 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में भी यहाँ छात्र 500 दिनों से लखनऊ की धरती पर आपसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर मांग रहे हैं। आप वो गलती क्यों दोहरा रहे हैं? आपके लोग क्यों गूंगे बने बैठे हैं? क्यों आप, क्या आपकी भी मंशा है कि अब आप सत्ता के इस तरफ आना बैठना चाहते हैं? ये अभिभाषण जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि वर्तमान सरकार किसान की सच्ची हितैषी है। हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और उनको किसान सम्मान निधि की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को मिलती है और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है 6 करोड़ किसानों की पीठ पे सम्मान पे लात मार करके सिर्फ 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जाता है। किस किसान के सम्मान और किसान हितैषी होने की बात आप करते? बहुत अधिक दूर मत जाइए, सिर्फ बनारस जनपद को देख लीजिए जहां से आपका राजपाट चलता है। बनारस की धरती पे आज किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए उसके अंदर जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलवे के नीचे रौंदने का काम कर रहा है, 10 साल से वहां किसान लाठी की मार झेल रहा है। अत्यधिक ऐसे क्राइम्स में उनको दबोचा जा रहा है कि वो इस देश के अन्नदाता होते हुए अपराधी की लिस्ट में आ गए हैं। किस बात में आप किसान के हितैषी होने की बात करते हैं? इस बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहां पर किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण 2013 के बिल के लागू होने के बावजूद उनको आज की वर्तमान परिस्थितियों में वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसके अधिकारी वो हैं। आज वही बनारस में काशी गेट के नाम पर लाठी डंडे की मार झेल रहा है ये किसान, उसकी भूमि जबरहन डंडों के पर्दे के नीचे आज छीनी जा रही है और उसको आज यहाँ पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये चंद उदाहरण हैं आपके सच्चे किसान हितैषी होने के। मानवर, मैंने सदन में पहले भी कहा और आज भी कहती हूं कि आस्था दिव्यता का प्रतीक है और भगवान राम में किसकी आस्था नहीं है? भगवान राम में हमारी आस्था किसी प्रमाण को नहीं चाहती और ना किसी प्रमाण की मांग करती है। भारतीय समाज ने जिस भगवान राम को पूजा वो वनवासी राम है, वो केवट मल्लाह का राम, निषाद का राम है, वो सबरी का राम है, वो राम है जो जंगल में कंदमूल खा कर रहा है, जो गरीबों का राम है, जिसको आज आप नव्य भव बनाने चले हैं
उसकी दिव्यता अलौकिक है और युगो युगों से है। अगर आप मानते हैं कि पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार आज किया है, तो इसी विश्व ने मणिपुर में हुई विभत्स घटनाक्रम का साक्षात्कार भी किया है। अगर आज आप इस अलौकिक अवसर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो कम से कम मणिपुर में हुई घटनाक्रम पे एक शब्द बोल दिया होता तो हम भी आपकी पीठ थपथपाने का काम कर देते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे चित्त में भी है, चरित्र में भी है, चिंतन में भी है, लेकिन आवश्यक यह है कि भगवान राम के चरण जितने पूजनीय हैं, उनके आचरण भी उतने ही पूजनीय हैं। राम की नीति और नियतियां सर्व समाज के उन्नयन के लिए हैं, परंतु अफसोस, मान्यवर अफसोस है इस बात का कि आपका पूरा प्रयास है इस बात पर कि आप भगवान राम को उनके अपने राजनीतिक तल पर लेकर आए। एक सुझाव के साथ कि जिस भगवान राम के चरण आप बहुत जोरों से पकड़े हैं, अगर उनके आचरण को भी उतनी ही जोरों से पकड़ लेंगे, तो जिस राम चेतना, जिस राम तत्व को आगे लाकर आप इस देश में, इस प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सम्मान देने का और उत्थान लेने का दम भर रहे हैं, अगर जातिवार जनगणना करा देंगे तो इस देश की हर जाति को उनके जनता, उनकी संख्या के अनुपात में, शिक्षा में, सदन में, नौकरी में, दवाई में, कमाई में, पढ़ाई में, इस देश के खजाने में, खेत खलियानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए और वो राम तत्व, राम चेतना सार्थक हो जाएगा, घटित हो जाएगा। लेकिन कहने में कतई भी दोष नहीं है कि जो आपका चाल है, जो आपका चरित्र है और जो आपका चेहरा है, आपका उससे ये सत्य होता दिखता तो कदापि नहीं है। बहुत बहुत आभार मान्यवर, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री श्याम धनी राही जी। पर बोलने का अवसर दिए हैं, आपका आभारी हूं। 500 वर्षों का सपना हिंदू समाज का साथ।